ताई जी बोल रहे हैं। ताई जी क्या बोल रहे हैं, क्या खाना आपने? मेहंदी लगा के बैठे हुए हैं ताई जी, देखिए यहाँ से माथे में भी लगाई इन्होंने मेहंदी। घास के लिए जा रहे, 2 घंटे हो गए इनको यहाँ बैठे बैठे। मैं घास को जा रही हूँ, अभी तक इन्होंने घास नहीं लाया है ना सुशांत। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ताई जी बोल रहे कि इनको बाड़ी खानी है। बाड़ी होती है कुल भी एक डिश, और सेहत के लिए अच्छी भी होती है। अगर हम लोग बनाएंगे तो आपसे भी शेयर करेंगे। कितने दिन से बोल रहे हैं बाड़ी खानी रुचि बाड़ी बना, तो आज देख लेते हैं अगर बनाएंगे हम तो आपसे भी शेयर करेंगे। खानी आपने बना लेंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। कुछ लोगों को आती होगी, कुछ लोगों को नहीं आती होगी बनानी। कुछ लोग पसंद करते हैं खाना, कुछ लोग खाना पसंद भी नहीं करते हैं। और वहाँ पे बैठे मम्मी जी नहा के यहाँ आए हैं गेस्ट सुशांत। हेलो सुशांत, सुशांत की मम्मा। हेलो, जा रहे मैं सिचुनी देवी जी घास को। जब बोला मैं घास का किल्टा लाऊंगी ना तब दिखाई, बोला मैं इस बार हमने खीरे घर के पास ही लगाए हैं। ये है टॉयलेट बाथरूम और इसके नीचे एक है खीरे की लाइन, एक है टमाटर की लाइन और 3 है मिर्च की लाइन है, 2 स्क्वैश है उधर। पिछली बार हमने ये वाले खीरे नीचे वाले एरिया में लगाए थे। नीचे एक एरिया है हमारा, वहाँ पे हमने खीरे की एक लाइन लगाई थी, उसके ब्लॉग मैंने कुछ डाले हैं पिछले साल। और जब ये खीरे बड़े बड़े होंगे तो मैं इनको भी दिखाऊंगी आप लोगों को। टमाटर की भी इस बार एक ही लाइन लगाई है। ताई जी वगैरह भी आएंगे उस वाले रास्ते से ही जहाँ से हम साफ सफाई करते हैं। फिलहाल मैं कपड़े धो रही हूँ यहाँ पे, ताई जी और का वेट भी कर रही हूँ। जब वो आएंगे तब उसके बाद बनाएंगे हम जो चीज़ वो खाना चाहते हैं। और गोयल जी और डैडी गए हैं खेत को, सेब के पेड़ की टहनियाँ जो है उनके उनमें सेब बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। इस बार हमारे सेब के पेड़ों में सच में बहुत ज़्यादा फसल है, तो उन टहनियों को बांधने गए हैं। पिछले साल मैंने वो वाला ब्लॉग भी डाला था कि कैसे टहनियों को सेंट्रल लीडर टहनी से बांधते हैं। कल मैं वो वाला ब्लॉग बनाने ही वाली थी मुझे लगा कि अभी बच्चे हैं या नज़दीक वाले बगीचे में, तो गोयल जी वगैरह ने वहाँ पे बांध ली थी टहनियाँ, तो तब मैं व्लॉग नहीं बना पाई। कभी टाइम लगे तो मैं ऐसी बंधी हुई टहनियाँ दिखा दूंगी आपको। यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। ये एरिया टॉयलेट बाथरूम के ऊपर का, डैडी ने होते कहाँ कहाँ से फूल लाए हुए। और ये रहे जी हमारे मेडिसिन प्लांट, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी ना, देखिए इसमें टहनियाँ निकली है। दूसरा ये, और तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा कहाँ गया, छठा जी सूख गया है पर थोड़ी थोड़ी लगी है, यहाँ लग गया है थोड़ा सा। ये मेन सूख गया है, यहाँ से टहनियाँ निकल गई है। ये है इसमें घास, ताई जी वगैरह अभी भी आए, बहुत टाइम लगा रही है वो दोनों। देखिए खुद तैयार किया हुआ प्याज रखा हुआ है इधर, और ये है मेरा काम, ये ख़त्म होने वाला है। यहाँ से देखिए ख़त्म होने वाला है, बस इतना सा बुनना है मैंने। इतने दिन में मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि जायका का कुछ काम था हम लोगों को, और इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। और अपना जो मेरा खड्डी का काम है वो भी बहुत कम कर रही थी। मैंने सोचा था कि कल वाला ब्लॉग बनाऊं जब गोयल जी वगैरह
टहनियाँ बांध रहे थे, तो वो तो नहीं हो पाया था। फिलहाल मासी यहाँ आए, पड़ोस वाली मासी, इनके लिए मैं पानी ले जाती हूँ। पीछे पीछे आ गया अंदर, अभी तक मेरे से बात भी नहीं कर रहा था। हेलो 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 सुशांत, इतना बड़ा हो गया ये चलने वाला, खुद चलने वाला। कई व्लॉग में मैंने इसको दिखाया, तब ये चलता नहीं था, सिर्फ गोद में बैठता था, हाथ पांव से चलता था। आज ये खुद चलने वाला बन गया है ना, है ना सुशांत। और जो मैंने जायका वाला बताया, जायका का जो काम था वो भी हमारा कुछ दिन में, दो चार दिन में कंप्लीट होने वाला है। छोटे आदमी को छोटा ग्लास, बड़े आदमी को बड़ा ग्लास। पियो पियो पियो। देखिए ताई जी अपने ध्यान में लगे हैं। ताई जी ने बोला था जब मैं घर आऊंगी घास लेके तब दिखाई मेरे को। भाग गए ताई जी डर के मारे ऊपर ऊपर से। आजकल मौसम भी रोज ही खराब हो रहा है, आज तो थोड़ा सा ठीक है। सेंटा रोजा प्लम, यमी यमी सुशांत, यमी। इसने खाया, इसको थोड़ा थोड़ा खट्टा लग रहा है इसलिए ये खा नहीं रहा है। सेंटा रोजा प्लम खा रहे हैं, थोड़े से मिसी चुनी देवी जी के लिए बचाए हैं। तीन दिन पहले आए ये। चुनी देवी जी के मुंह में पानी भर रहा है। खाना आपने? खाना भाई जी? मजे लेके खा रहे सब लोग। मांग रहा है एक की वाइट ली थी इसने और खट्टा लग रहा था इसको, फिर इसने फेंक दिया। कौन कौन खाना चाहेगा? ताई जी के पास भेज लूंगी मैं जो प्लम खाना चाहती है। सेंटा रोजा प्लम वैसे खत्म हो गए हैं, यही बच्चे जो मैंने आपको दिखाए। और अभी हमारे फ्रंटियर निकलेंगे, उसके बाद मैरीपोजा तो भर भर के है, भर भर के। गांव में होने का मजा ही कुछ अलग होता है। बगीचे होते पहले थे खुरमानी, और है प्लम, नाशपतियाँ होने वाली है, कुछ एक सेब भी होने वाले हैं। ताई जी बोल रहे मैं नहीं रजी और दे मेरे को, दो तीन इकट्ठे दे देती हूँ इनको पहले। बहुत मजा आ रहा है खाने के लिए। चार तो मैंने खा लिए, तीन और मांगे। चार ताई जी ने खा लिए, दो और मांग लिए। दो खाने हैं तभी इन्होंने यहाँ कम्बल लाई है, सो के रहेंगे, उसके बाद बनाई डिश बोला, क्योंकि अभी बजे हैं डेढ़ बजे की, डेढ़ पूरे नहीं बजे हैं, दो बजे बनाएंगे वो डिश, है ना। खाती ही रहती है मिसी चुनी देवी जी। ताऊ जी काम कर रहे हैं, उनको बेचारे पैसे कमाने, खुद घर में बैठ के खाती ही रहती है ना। देखो सावधान बैठे हैं कि मैं मतलब कि खाते खाते कहीं आंखें छोटी ना दिखे, बड़ी ना दिखे। खड्डी का ताना खत्म हो गया है और यहाँ रखा है मैंने नाप, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं इसको नापूंगी, फिर यहाँ से काटूंगी और
बाद में जब मैं उसमें दूसरा लगाऊंगी तो उसको लगाते वक्त मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे लगाती हूँ। अरे 8:30 निकल गया, ये निकल गई ताई जी की पूंछ पीछे से, इतनी बड़ी पूंछ क्योंकि आधे धागे थे इसमें कटे हुए पीछे, तो 8:30 ही काट लिया मैंने। अब काटूंगी यहाँ से काट लूंगी। कोयल जी और डैडी भी आ गए, 2 बजे से पहले पहुंच गए। मैं तो सोच रही थी आज काम खत्म नहीं होगा, हुआ खत्म। ये क्या चीज है, फ्रंटियर है, हैं? इधर मैंने पानी चढ़ा के रखा है, बॉयल होने वाला ही है। स्वादानुसार पहले ही इसमें नमक भी डालूंगी और 1 चम्मच इसमें, 1 या 1.5 चम्मच इसमें घी डालूंगी। ये लाई हूँ इसमें आटा, इतना सारा आटा नहीं डालूंगी, आटा मैंने इसलिए छान के रखा है, बाद में मैं रोटियां भी बनाऊंगी क्योंकि गोयल जी 4:30 बजे ड्यूटी जाते हैं, 3 बजे के बाद मैं चपातियाँ भी बना लूँगी कुछ एक। इसमें है घी, साइड चाय भी बन रही है, गोयल जी और डैडी चाय पियेंगे, सब लोग चाय पियेंगे। गोयल जी बाड़ी बिल्कुल भी नहीं खाते और डैडी दिन को खाना नहीं खाते, नहीं तो इनको 2 दिन में तबीयत खराब रहती है डैडी की, अगर दिन को कभी भी खाना खाया तो। इसमें मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया है और अभी इसमें घी डाल देती हूँ। इससे ये होगा कि जो ये आटा है ना वो नीचे नहीं फंसेगा, अच्छे से घुलता है फिर आटा। सुशांत खाना खा रहा है, देखिए खुद खा रहा है खाना, अपनी मम्मा के हाथ से नहीं बोला खाता है। हम लोग चाय पी रहे हैं क्योंकि ताई जी नहीं आए, मासी जी भी, मम्मी डैडी गोयल जी ये बाहर, ताई जी आ गए खुद ही बनाने अपना हथियार लेके। मैं कड़छी से बना रही थी, बोला नहीं डंडे से बनाते हैं। हाँ नमक घी सब कुछ भर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करना होता है, बहुत ही अच्छे से, बाद में थोड़ा थोड़ा घी डाल के मिक्स करते हैं फिर बन जाती है बाड़ी। बहुत ही इजीली बना सकते हैं सभी लोग इस डिश को। ताई जी को तो ये बहुत पसंद है, घी के साथ खाते हैं इसको, कई लोग चटनी के साथ भी खाते हैं, ताई जी घी बहुत कम खाते हैं, बोला मैं चटनी के साथ पसंद करती हूँ लेकिन बाड़ी की बात आए तो बहुत ज़्यादा खाती है ताई जी। दोनों सास मिल के बना रही है, वाओ मज़ा आएगा आज सास के हाथ से खाने में। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं साइड साइड में, बहुत हम पकड़ने वाली बहुत बोलती है ताई जी, बहुत ज्यादा ताई जी को आदत नहीं है गैस पे बनाने की, ये बनाते हैं लोकल चूल्हे पे ना, आज इनको मजा नहीं आ रहा उतना क्योंकि ये बैठ के काम करते हैं, यहाँ खड़े खड़े काम करना पड़ रहा है इनको, खड़े खड़े काम करना पड़ रहा है इन दोनों को। देखिए दूसरी बातर, ताई जी की बातर, पानी डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तब मिक्स कर रहे तब पक भी जाती है अच्छे से, बीच में कोई आटा उटा सूखा आटा नहीं बचता है फिर। ताई जी बहुत ज्यादा फटाफट काम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जाना है इसके बाद शादी को, अपनी बहन जी की शादी को। एक पानी
लास्ट पानी डाल रहे हैं ताई जी, अच्छे से पकाएंगे, कच्ची नहीं रहेगी फिर। कच्ची तो वैसे भी नहीं है ये, कच्ची रहेगी तो मतलब टमी में दर्द होती है अगर कच्चा रहेगा। ताई जी कबाड़ी रेडी हो गया, अब हम थाली में सर्व करेंगे सबके लिए। हम बहुत है ना, मैं ताई जी मम्मी जी मासी जी दीदी को बुलाएंगे। हो गया रेडी, इसको कर दीजिए बंद। ताई जी की वीडियो बनाने के लिए मैंने वहाँ की लाइट भी ऑन रखी थी, यहाँ की भी। थालियाँ सज गई है देखिए, सबसे ज़्यादा मिसेज चुनी देवी जी के लिए सबसे बहुत ज़्यादा, बाकियों के लिए थोड़ा कम कम है ना चुनी देवी जी है। सुशांत भी खा रहा है, वाह कैसा बना है, कैसा बना है ताई जी? बहुत अच्छा बना है, बहुत। लगे हुए हैं यहाँ पे, अचार भी रखा है मैंने, अचार के साथ खाना है बोला, चटनी दे बोला, खाएंगे आप हैं? बहुत ही मजेदार बना है, थोड़ा सा नमक चढ़ा इसमें, नमक मैंने ही डाला था ज्यादा। फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे, पहली बार जिंदगी में पहली बार बाड़ी खा रही है। सुशांत भी आ गया देखने अपने दद्दू को कि दद्दू भी खा रहे हैं आज तो। ये निकल रहा है सारा बाहर, खाना खा के सीधे वीडियो देखने साउंड चलाई था। ये है मेरी दूसरी खड्डी जो कि बैठी हुई थी, इसमें अभी थोड़ा सा ही भुना है मैंने और ताना भी इसमें बहुत सारा बचा हुआ। ये है मेरी खाली खड्डी, ये जाएगी यहाँ को शिफ्ट, ये वाली जाएगी ऊपर, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा काम ऊपर ही करती हूँ। ढक के रखा था फिर भी इस पर थोड़ी थोड़ी डस्ट बैठी है, यहाँ जाएगी ये बाली अब खाली खाली। बॉर्डर मैंने वैसे भी ज़्यादा बुना था, काफ़ी ज़्यादा, तब मैंने इसमें ये रहने दिया, नहीं तो ये निकल गया तब बड़ी मुश्किल होती है, तब यहाँ से भी डालने पड़ते एक एक धागे, इसलिए मैंने इतना छोड़ा है। यहाँ से ऐसा इस साइड से ऐसा रखा है बांध के, ये बैठ गई यहाँ, ये ले जाऊँगी ऊपर। और ये है ताना रखा हुआ, जब बैटरी लो हुई तभी छोड़ा इन्होंने फ़ोन, अदरवाइज फोन 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 है ना, है ना। बोलो कुछ है। तीन बज गए, साढ़े तीन होने वाले हैं, साढ़े तीन होने वाले हैं, हाँ साढ़े तीन होने वाले हैं ना। अच्छा कुछ तो बोलो आज यार, बहुत टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, सुनने का ड्रामा क्यों कर रहे हो, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आज, रहने दो। दिन के 3:20 हो गए हैं और थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करूंगी, 4 उठ के चपातियाँ बनाऊंगी, फिर गोयल जी जाएंगी 4:30 ड्यूटी, तो मैं अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं पे करूंगी। आज के लिए फ़िलहाल काफ़ी है ये, नहीं बोलूंगी फिर से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें विद बेल नोटिफिकेशन ऑन। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।